किसान भाइयों, गाय भैंस का दूध हम सभी निकालते हैं और आप सभी को एक बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि हम अपनी गाय भैंस को भजन सुनाते हैं, साथ ही साथ जो बांसुरी की आवाज़ आती है वो सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं हम? ताकि हम अपनी गाय भैंस से अच्छा दूध ले सकें, उनका मन शांत रहे, जिससे वो अच्छा दूध दे। अब इसी टेक्नोलॉजी के थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया गया है, अब साथ में वीडियो भी दिखाई जा रही है, वो आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो चले किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पहली बार आए, वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हो वहाँ पर जरूर से दबाए, वो पास वाली एक छोटी सी घंटी आएगा, उस घंटी के बटन को भी जरूर दबाए, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आएगा, तो ये काम जरूर से कर लेना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी, जिस पर कि मैंने वो न्यूज़ देखी थी, मैं कब का उस पर सोच रहा था कि वीडियो बनाओ, पर आज जाकर मुझे टाइम मिल गया। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। रशिया में जो वहाँ के किसान जो डेयरी फार्म चला रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने अपनी गाय के लिए VR बॉक्स लाए। अब VR बॉक्स, जिन किसान भाइयों को नहीं पता है VR बॉक्स क्या होता है, VR बॉक्स एक ऐसी चीज़ रहती है जिससे कि हम घर पर बैठकर सारी जगह घूम सकते हैं उस पर। जैसे कि अगर आप मोबाइल पे कहाँ की वीडियो चला दोगे कि मैं जैसे पहाड़ पर घूम रहा हूँ, तो आप अगर VR बॉक्स पहनकर अपना मोबाइल उसके अंदर लगाकर आप अगर देखोगे उस वीडियो को, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वहाँ पर ही आ गया हूँ, पर जबकि आप वहाँ पर गए नहीं हो। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमारे गाय भैंस के लिए भी बन चुकी है। अभी रशिया में लोग मतलब कि गाय अगर जिस टाइम वो दूध निकालने जा रहे हैं गाय भैंस का, उस टाइम पर वो वीडियो चलाते हैं। अब वीडियो में क्या रहता है कि वीडियो में वो चालू कर देते हैं, एक लंबा सा हरा सा घास का मैदान है जिस पर पर्वत जैसा है और ठंडी हवाएं चल रही है, आसपास में पानी बह रहा है, तो गायों को ऐसा लगेगा या फिर भैंसों को ऐसा लगेगा कि हम वहाँ पर ही आएँ, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो सब देखकर उनका जो दूध है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी रशिया में आ चुकी है और वहाँ के लोग इसका यूज़ भी कर रहे हैं। अब किसान भाइयों, आप बोलोगे कि ये टेक्नोलॉजी ख़राब है या फिर अच्छी है या फिर ठीक ठाक है, इसके बारे में मेरे पास कोई भी डिटेल नहीं है, क्योंकि ये अभी अभी आए और इसका रिज़ल्ट हम थोड़े टाइम के बाद देख सकेंगे। मुझे तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी पसंद नहीं आई है, क्योंकि हम अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए अपनी गाय भैंस को इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों दें। तो किसान भाइयों, अगर आप अपनी गाय भैंस के लिए म्यूज़िक सुनाते हैं या फिर कोई बांसुरी की टोन सुनाते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कर देना। और मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।